morning, students. You are most welcome to ADM Engineering Online Math Class. आज हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 15.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें किलोमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 3.5 किलोमीटर इनटू मीटर। अब अपने को पता है वी को 15.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वी नो दैट 1 किलोमीटर के कितने मीटर होते हैं 1000। ठीक है, तो 3.5 किलोमीटर में कितना होगा? इसके दो फॉर्मूले अपन यूज में ले सकते हैं। पहला तो इसको अपन क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 2 3 6 और 1 7, यानी इस 7/2 आपका ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। और 7/2 किलोमीटर को अपन जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ तो 2 5 4 10, 0 0 आपकी बच गई। यहाँ तो मेरे पास बचा 7 × 500, यानी कि 3500 मीटर आपका आंसर आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला था कि 3 किलोमीटर आपके पास पूरे पूरे हैं, इसको मैंने 1000 से किया, प्लस हाफ जो आपका बचा उसको भी 1000 से इनटू कर दो और बचे को प्लस कर दो। यहाँ पर 3 को 1000 से किया तो 3000 आ गया। अब देखो 2 5 4 10, ये दोनों जीरो ऊपर आ गए, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास बचा 500। 3000 को 500 दोनों को प्लस किया तो 3500 मीटर आपका आंसर आ गया। दोनों ही सिचुएशन में आपका सेम आंसर है, कौन से भी फॉर्मूले से आप कर लो। यहाँ पर मैंने इसको मेजर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो 7/2 किलोमीटर मेरा आ गया है, और 7/2 को मैंने 1000 से इनटू किया है, मल्टीप्लाई किया है। 2 से 1500 टाइम कटा, 7 और 500 को जब इनटू किया तो 3500 मीटर आ गया। यहाँ पर मैंने 3 किलोमीटर को 1000 से इनटू किया है, प्लस का साइन बीच में है, अगेन 1/2 किलोमीटर को 1000 से इनटू किया और जो आंसर आया उन दोनों को प्लस कर दिया। तो कौन से भी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड आपका है कन्वर्ट 6500 ग्राम इनटू किलोग्राम। अब आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम आपकी छोटी यूनिट है और किलोग्राम आपकी बड़ी यूनिट है। छोटी से जब बड़ी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन को किलोग्राम, 1 ग्राम में होता है 1/1000 किलोग्राम, तो 6500 ग्राम में होगा 6500 अपॉन 1000। अब ये 1000 पे 1 2 3 0 है तो ऊपर भी हम 1 2 3 3 काउंट करके 1 का पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास 6.500 ग्राम आ गया। और उसको और भी शॉर्ट में अगर आप करो तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट होगी, 1 0 बची तो 1 डिजिट के बाद पे पॉइंट लगा देंगे, तो 6.5 ग्राम किलोग्राम।
या आ गया। और फॉइल पाइप है वो हाफ केजी के इक्वल होता है, तो 6.5 kg भी आप इसको लिख सकते हैं, 6.5 kg या फिर 6.5 kg, क्योंकि फॉइल पाइप का मतलब हाफ केजी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर देखो। कन्वर्ट 2250 मिलीमीटर इंटू लीटर, मिलीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो अगेन हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब आना है अगेन क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर आंसर यहाँ पर आ गया। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें अगेन आपको मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट 18,000 ml इनटू लीटर, मिलीलीटर को वापस से अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं, तो 18,000 मिलीलीटर में 18,000/1000 से मैंने 30 कट कर दिया, तो क्या बचा आपके पास 18 लीटर, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखो, कन्वर्ट 75,000 ग्राम इंटू किलोग्राम। अब की बार अपने को क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 75,000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में होगा 1/1000 kg, और 75,000 ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 75,000/1000 मैंने कट कर दी और आंसर आ गया 75 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 2.5 लीटर मिलीलीटर, आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखो, अब की बार आपकी बड़ी यूनिट है लीटर, और कन्वर्ट किसमें करना है, छोटी यूनिट मिलीलीटर में, तो अब की बार हमें डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई करना है। आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, हमें पता है 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 2.5 लीटर में होगा 2.5 × 1000। अब देखो
यानी कि पॉइंट के बाद में वन डिजिट है तो नीचे वन के बाद में वन जीरो लगा देंगे, तो हमारा ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब ये अपॉन टेन है तो टेन की वन जीरो से इस वन जीरो को मैं कट कर दूंगी, तो यहाँ पे आया 25 × 100। और जब मैंने 100 को 25 से इंटू किया तो 2500 मिलीलीटर आपका आंसर आ गया। अगर इसको अपन देखो, पॉइंट को मैंने हटाया है, पॉइंट की जगह मैंने नीचे वन लिखा, पॉइंट के बाद में ओनली वन डिजिट थी 5, तो 5 की जगह ओनली वन जीरो मैंने नीचे लगा दी, तो ये 10 बन गया। 10 की वन जीरो से 1000 की वन जीरो को कट कर दिया तो ऊपर मेरे पास 100 बचा, 25 को 100 से इंटू किया तो 2500 एंगल अपना आंसर आ गया। इसके बाद में आगे आपका क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1.5 किलोग्राम इंटू ग्राम। आपको 1.5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अगेन आपका बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे, इंटू करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं, कन्वर्ट 3 मीटर × मिलीलीटर। ऐसे तो अपने को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एमएम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में नहीं।
अगर सेंटीमीटर पे करना होता तो हम हंड्रेड से इंटू करते, लेकिन क्योंकि मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो थाउजेंड से इंटू करेंगे। जब थ्री को थाउजेंड से इंटू किया तो आंसर क्या आ गया, 3000 मिलीमीटर। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखो, हाउ मेनी गम्स ऑफ 20 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम टैंक ऑफ कैपेसिटी 5000 लीटर। 5000 लीटर कैपेसिटी का एक टैंक है, यानी कि उस टैंक में 5000 लीटर पानी, ऑयल, मिल्क जो आप भरना चाहते हो भर सकते हो। उस टैंक में 20 लीटर के कितने ड्रम अपने को भर के डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटी ऑफ टैंक भी दी हुई है और उस टैंक को भरने के लिए 20 लीटर के कितने ड्रम उसमें डालने पड़ेंगे वो भी हमें वो बताना है, लेकिन ड्रम की कैपेसिटी हमें दी हुई है। तो यहाँ पे देखो, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, 5000 लीटर। थोड़ा सा अपन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की कैपेसिटी है 5000 लीटर एंड कैपेसिटी ऑफ ड्रम, ड्रम की कैपेसिटी है 20 लीटर। तो नंबर ऑफ ड्रम निकालने के लिए 250 ड्रम, कैपेसिटी ऑफ टैंक में, कैपेसिटी ऑफ ड्रम का डिवाइड देना है। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ टैंक के पास 5000 है और कैपेसिटी ऑफ ड्रम है 20। एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दी और 500 के 2 का हम डिवाइड करेंगे तो 2 4 4, 2 5 4 10 और 0, इट मींस 250 ड्रम हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, टैंक का द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉक्स इज 50 लीटर, देन हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी फिल फ्रॉम 3750 लीटर ड्रम। 3750 लीटर ड्रम एक इसी ड्रम की कैपेसिटी है, उसमें हमें 15 लीटर कैपेसिटी के कितने बॉक्स डालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बॉक्स हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन 9 में नंबर ऑफ ड्रम फाइंड करने थे, अब की बार नंबर ऑफ बॉक्स हमें फाइंड करना है। कैपेसिटी ऑफ ड्रम हमारे पास है 3750 लीटर और कैपेसिटी ऑफ बॉक्स दी हुई है 15 लीटर। नंबर ऑफ बॉक्स जब हम निकालेंगे तो कैपेसिटी ऑफ ड्रम में
capacity of बॉक्स का डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ ड्रम के पास है 3,750 और कैपेसिटी ऑफ बॉक्स मेरे पास है 15। अब इसमें अगर हम सीधा सीधा 15 का डिवाइड करेंगे तो देखो 15 2 जा 30 15 5 जा 75 और 0 0। अगेन आपका 250 बॉक्स यहाँ पर तो कितने टाइम कटा 250 टाइम। तो नंबर ऑफ बॉक्स हमारे कितने आए 250। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 देखो। द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉक्स इज 13 kg 5 mm। हाउ मच ऑयल कैन बी स्टोर्ड इन सच 48 बॉक्सेस। आपको वन बॉक्स की कैपेसिटी दी हुई है, 48 बॉक्सेस की कैपेसिटी आपको निकालनी है। वन का देके जब ज्यादा की कैपेसिटी पूछे तो हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वन बॉक्स में जितनी चीज आएगी तो 48 बॉक्स में तो उससे बहुत ज्यादा चीजें आएंगी। तो हमें ज्यादा निकालने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। कैपेसिटी ऑफ वन बॉक्स आपकी है 13 kg 5 mm। इसको अपन कन्वर्ट अगर करेंगे तो 13 n 1 upon 2 kg आपका आ जाएगा। Such boxes are 48 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको लगता है कि इस तरह से हमें हार्ड पड़ेगा तो आप सीधा सीधा 13.5 kg होता है उसको 48 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर 13.5 mm को 48 से अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं 800 8 5 24 4 carry 8 3 24 28 10 4 0 0 4 0 0 4 5 20 2 carry आ गई अपनी बार 4 3 12 14 1 carry आ गई 4 1 4 1 5। यहाँ पर मेरे पास है 6 4 8 0 0 0। अब यहाँ देखो 1 2 3 3 के बाद में पॉइंट था तो मैं यहाँ भी 1 2 3 3 के बाद में पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के बाद भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो मेरे पास क्या बचेगा 648 kg मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे पॉइंट के बाद में 30 थी और पॉइंट ये मैंने 13.5 kg लिखा था। अब 1 2 3 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो आंसर में भी हम 1 2 3 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद में क्योंकि तीनों ही जीरो है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मैंने सीधा आंसर लिखा 648 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए
what is capacity of such 15 containers? A container C, अगर capacity 15 liter है तो 15 container की capacity कितनी होगी? इसमें भी वन का देखे ज्यादा का पूछा है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। वन कंटेनर की है 50 लीटर, then capacity of 15, such containers से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके देखो 5 5 25 to carry 5 5 7 1 5 5 1 1 1 5 then 1 carry और 2 यानी कि 225 लीटर कैपेसिटी आपकी हो गई। थर्टीन के क्वेश्चन में अगेन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द वेट ऑफ वन ऑयल बॉटल इज 1 kg 750 ग्राम, देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सच 20 बॉटल्स। आपको वन बॉटल का वेट दिया हुआ है, 20 बॉटल का पूछा हुआ है, तो आप 1.750 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे। Weight of one oil bottle is 1 kg 750 ग्राम है तो मैं इसको सीधा ही 1.750 kg लिख देती हूँ, है ना? तो weight of such 20 bottles यहाँ पे अगर इसको इनपुट कर लेते हैं 0 0 0 0 अब 2 को 0 से इनपुट किया 0 2 5 10 1 कैरी चली गई 2 7 14 1 15 2 1 2 और 1 3 यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 35,000। अब यहाँ देखो आप 3 के बाद में 0 है, 3 के बाद में 0 है इट मींस मेरे को यहाँ पे 1 2 3 3 के बाद में डेसिमल पॉइंट लगाना है क्योंकि यहाँ भी 3 के बाद में पॉइंट है, यहाँ भी मेरे को आंसर में भी 3 के बाद में पॉइंट यानी डेसिमल लगाना है, तो मेरे पास बचा 35 यानी कि 20 बोतल की कैपेसिटी होगी। जो अपन ने शुरू के क्वेश्चन में किया था लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें इनटू करना है आपको और फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी आपको इनटू करना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर आज कंप्लीट हो गई है। सारे बच्चों को ये एक्सरसाइज अपने मैथ्स के नोटबुक में करनी है, अगर कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।